अस्सलामु अलैकुम सर, हम आज 7th क्लास के नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। ये आज इसका लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला 8th क्लास के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। आप लोग इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से तैयार कर लें, ये ना सिर्फ एजुकेटर्स के जॉब्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी आप लोग किसी भी किस्म के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। हमने आज इलेक्ट्रॉनिक्स मेल के क्या देखने हैं, एमसीक्यूज़ देखने हैं। आज इसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज एंड फाइल्स इलेक्ट्रॉनिकली इज नोन हैज। हम कोई भी चीज़ भेजते हैं या रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली उसको हम क्या कहते हैं, ई मेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है, पीपल कैन ऑल्सो अटैच डैश विद एन ई मेल्स। पीपल कौन सी तरह के ई मेल्स अटैच हैं, वो है इमेज एंड ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो एंड वीडियो। तो पीपल इन सब किस्म के ई मेल से क्या हैं, अटैच हैं। नेक्स्ट है, मेल बॉक्स इज़ आल्सो, मेल बॉक्स को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज एरिया। नेक्स्ट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और ईमेल्स सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट एंड ईमेल सर्विस हमें क्या प्रोवाइड करती है, ना तो वो हॉटमेल होती है, जीमेल होती है, कुछ भी नहीं होता, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, एंड ईमेल्स एड्रेस कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट, ईमेल कितने पार्ट्स पर कंसिस्ट होती है, टू पार्ट्स पर, और दो पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है यूज़र्स नेम और दूसरा होता है आइडेंटिटी आईडी एंड डोमेन्स नेम, ठीक है। तो इन दोनों को भी याद कर लेना, बट आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि ईमेल कितने पार्ट्स पर कंसिस्ट होती है इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, द आंसर आर रिसीव्ड ईमेल्स इज कॉल्ड एंड ईमेल्स। जो हमें रिसीव्ड होती है ईमेल उसका हम आंसर कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्लाई कहते हैं, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है, डैश मीन्स टू क्लोज एन ईमेल्स अकाउंट। जब हम ईमेल अकाउंट को क्लोज कर रहे थे तो वो क्या कर देते हैं, साइन आउट कर देते हैं, ठीक है। बट ये सिंपल सिंपल है, हमने तो एक बार करना ही है तो इसलिए हम इनको कर लेते हैं, क्योंकि ये देखें जस्ट ये भी पता है कि जब हम साइन इन करते हैं तो साइन इन हो जाती है, जब साइन आउट करते हैं तो साइन क्लोज हो जाती है ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 173 ऑल आउट गोइंग मैसेज आर स्टोर इन अ फोल्डर। जो भी मैसेज हम सेंड कर रहे होते हैं वो किसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, वो हो जाते हैं सेंट के अंदर। नेक्स्ट है, डैश फोल्डर इज़ यूज टू स्टोर द डिलीटेड ईमेल। हम जो भी ईमेल्स को डिलीट कर रहे थे वो किसके अंदर स्टोर हो जाती है, वो ट्रैश के अंदर क्या होती है, स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है, ऑल रिप्लाइड एंड सेंट ईमेल्स आर स्टोर इन डैश फोल्डर। रिप्लाइड एंड सेंट ईमेल किसके अंदर स्टोर हो जाती है, वो हो जाती है सेंट के अंदर, क्या होती है, स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है, सी सी स्टैंड फॉर, सी सी की फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपर्स में, मोस्टली आप ऑब्जर्व भी करते होंगे, आप लोगों ने एक दो एग्जाम्स दिए होंगे तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, अ यूज़र मस्ट क्लिक डैश बटन टू क्रिएट अ न्यू ईमेल अकाउंट। इनमें से कौन सा है कि यूज़र क्लिक करता है न्यू ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाती है, वो होता है साइन अप। नेक्स्ट है, कैन टू फ्रेंड्स हैव सेम ईमेल एड्रेस, क्या दो फ्रेंड्स के सेम ईमेल एड्रेस हो सकते हैं, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट ईमेल एड्रेस होते हैं। नेक्स्ट है जी, द नंबर ऑफ ईमेल्स सर्विस प्रोवाइडर्स कम आफ्टर, इनमें से कितने नंबर्स हैं जो कि ईमेल्स प्रोवाइडर कर रहा होता है, इसका ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट देखते हैं जी, 180 डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड फ्रॉम डैश फोल्डर। डिलीटेड ईमेल्स किसके अंदर स्टोर हो जाती है, ट्रैश के अंदर क्या हो जाती है, वो स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट है कि बी सी सी मीन्स बी बी सी की फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बी सी सी की फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री ई मेल वॉज बी इन्वेंटेड, किस कंट्री ने सबसे पहले ई मेल बनाई थी, वो थी अमेरिका। नेक्स्ट है, ई मेल वॉज बी प्रिटेंटेड, ई मेल कब बनाई गई थी, किस ईयर में बनाई गई थी, 1971 में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाई द इंटरनेट ई मेल्स, इंटरनेट ई मेल्स को यूज़ करने के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, वो होती है HTTP। HTTP की फुल फॉर्म भी आप लोगों ने याद कर लेनी है, वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो इधर राइट डाउन नहीं की होती उनको आप लोग लिख लिया करें, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब ये देखें, ये एक अलग से भी MCQ बन सकता है कि HTTP स्टैंड फॉर, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट
नेक्स्ट है जी मेल बिलोंग टू, जी मेल किसके अंदर से बिलोंग करती है, गूगल मेल में से ही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म टू प्री ट्रेनिंग टू ई मेल्स, इनमें से कौन सा है कि जो नहीं यूज़ किया जाता ई मेल्स के लिए, वो होता है पावर पॉइंट। नेक्स्ट है वाइल्ड सेंडिंग द ई मेल्स डैश लाइन वी डिस्क्राइब टू कंटेंट फॉर मैसेज, हम जब सेंड ई मेल को सेंड कर रहे थे हम उसके अंदर क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट के अंदर पहले डिस्क्राइब करना पड़ता है, फिर हम क्या करते हैं उसको सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट है जी 188 विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द ई मेल, इनमें से कौन सा है जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए यूज़ किया जाता है, वो होता है SMTP। अब आप लोगों के इधर तीन MCQs और भी बन रहे हैं, एक बन रहा है CPT स्टैंड फॉर, IP स्टैंड फॉर और SMTP स्टैंड फॉर। अब ये देखें तीन ये अलग MCQs एक ही MCQ से बन रहे हैं, तो आप लोगों ने इनको भी क्या कर लेना है, याद कर लेना है हमारा। अब इधर से MCQs फर्स्ट है TCP स्टैंड फॉर, TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और SMTP की फुल फॉर्म होती है, क्या होती है इसकी, SMTP की सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप लोगों ने इसकी भी याद कर लेनी है, SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं जी 189 डैश अलाउस यू टू योर मेल्स फ्रॉम एनीवेयर, हम किसके ज़रिए से कोई भी ईमेल भेज सकते हैं कहीं भी। 'वेब मेल इंटरफेरेंस के ज़रिए से हम किसी भी जगह पे कोई भी ईमेल्स क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। नेक्स्ट है जी 119 विच मीडियम इज़ नॉट बी सूटेबल फॉर द ईमेल, इनमें से कौन सा मीडियम है जो सूटेबल्स नहीं है किसके लिए, ईमेल्स के लिए, वो है पेपर है, इसके लिए क्या सूटेबल्स नहीं है। नेक्स्ट है 191 विच टर्म्स अवॉइडेड इन ईमेल्स, इनमें से कौन सी टर्म जो हमको अवॉइड करनी चाहिए ईमेल्स के लिए, रॉन्ग ईमेल एड्रेस को हमने क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, रॉन्ग ईमेल एड्रेस नहीं क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट है जंक ईमेल्स इज आल्सो नोन है, जंक ईमेल्स को हम क्या कह सकते हैं, स्पैम कह सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस इज आर मेड अप ऑफ डैश पार्ट, ईमेल एड्रेस कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है, दो पार्ट से, और दो पार्ट्स को पीछे हमने डिस्क्राइब भी किया है। नेक्स्ट है द ईमेल कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड आउटलुक एक्सप्रेस। नेक्स्ट है जी मैसेंजर इन मेल बॉक्स इज़ प्रेजेंट, 195 का राइट ऑप्शन ए है नेट्स कैप्स कम्युनिकेटर्स। नेक्स्ट देखते हैं 196 इन द आर्किटेक्चर्स ऑफ ई मेल्स वी कैन हैव, आर्किटेक्चर्स ऑफ ई मेल्स में कितने सिनेरियोस होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट है जी 197 वी कैन व्हेन द सेंडर्स एंड रिसीवर्स ऑफ ई मेल्स आर ऑन द सेम सिस्टम वी नीड ओनली टू, अगर हमें सेम ही सिस्टम से सेंड और रिसीव करनी होती है उसके हमें, उसके लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यूज़र एजेंट्स की। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल्स रिलेटेड हैकिंग टूल्स, इनमें से कौन सा ईमेल्स के लिए हैकिंग टूल्स नहीं है, वो है सेंडिंग्स। नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ईमेल्स, ईमेल्स का फादर कौन है, वो है रे टॉमलिसन। नेक्स्ट है जी वट इज़ द करेक्ट साइज ऑफ द ई मेल टेम्पलेट बिफोर द एग्जीक्यूटिंग ऑफ द कंपेनियन, कंपेनियन का एग्जीक्यूट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, ई मेल का साइज नोट करना पड़ता है, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 18KB। ठीक है 18KB। नेक्स्ट है जी विच ऑफ दीज इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ द कम्युनिकेशन, सबसे आसान कम्युनिकेशन का तरीका कौन सा है, वो है ईमेल, ईमेल के ज़रिए से हम मैसेज भेज भी सकते हैं, मैसेज क्या ऑडियो वीडियो कुछ भी हो ईमेल्स के ज़रिए हम भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी वेरीफिकेशन ऑफ द लॉगिन नेम्स एंड द पासवर्ड इज़ बी नोन हैज, हमें कोई भी ईमेल्स को वेरीफिकेशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट है जी वट डज़ द MIME स्टैंड फॉर, MIME किस फुल फॉर्म्स क्या है, ये बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, इसका राइट ऑप्शन है मल्टी प्रोसेस इंटरनेट मेल्स एक्सटेंशन। नेक्स्ट है जी लास्ट MCQs है 7th क्लास का, इसके बाद इंशाल्लाह हम 8th क्लास के MCQs स्टार्ट करेंगे।
8, 9, 10 तक हम कंप्लीट करने के बाद फिर हमारी जो रिमेनिंग इस्लामियत का पोर्शन रहता है हम उसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट ऑप्शन है व्हाट इज़ द बल्क ईमेल्स, इनमें से कौन से बल्क ईमेल्स है, वो है ईमेल्स सेंड बाय द ब्रांड टू मल्टी। ठीक है, आप लोग इन एमसीक्यूज को अच्छे से कर लें और इससे आप लोगों के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। और आप लोग डेली वॉच किया करें ताकि मैं डेली ही आप लोगों के लिए न्यू से न्यू वीडियो पोस्ट करूँ।